यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने अपनी ही बहन की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यही बात की जो आप बोल रहे हैं, गलती थी वो, इसलिए क्या गलत थी बताओ ना, पूरी बात बताओ, क्या वजह थी, पूरी बात बताओ उनको, क्या ये गलती थी किसी और से हो इसलिए मारा मैंने, मिलती थी मन ने करने के बावजूद ना मानती थी, वैसी यही बात किससे मिलती थी, कहाँ मिलती थी, सब बात पूरी, एक सेकंड, एक मिनट, क्या नाम सोनू क्यों मारा तूने अपनी बहन को, गलत थी इसलिए मारा है कि जमरऊ गांव में उसके बाहर एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी और उसकी एज तकरीबन 18 साल की थी, तो बाद में उसकी शिनाख्त धर्मवीर की बेटी के रूप में हुई और इसी संबंध में थाना संबंधित जहांगीराबाद पे 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और टीमें लगा दी गई कि किसने ये मर्डर किया है और इस संबंध में जहांगीराबाद थाने की पुलिस को सफलता मिली, जिसमें मृतका का भाई सोनू गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना एक बाल अर्जुन कबूल किया है और उसका ये कहना है कि मृतका के किसी से संबंध थे जो इन सबको अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये कार्य कारित किया है कि मृतका को का गला दबा के। दमोह जिले में सभी तहसीलों में धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व, एक दूसरे ने गले लगाकर मनाई ईद, पुलिस के चारों तरफ पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पुलिस लाइन से लापता नाबालिग का शव पुलिस लाइन के नाले में मिलने के बाद से लड़की के परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस लाइन से लापता नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस लाइन गेट पर नाबालिग का शव रखकर किया रोड जाम। बाहरी कोई चोट नहीं, डॉक्टर कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर लेडी डॉक्टर और एक जेंट्स डॉक्टर पूरा पर आओ, तिवारी का भी हाँ, का गाड़ी भी हमें चाहिए और दरोगा जी ने दरोगा जी को भी सस्पेंड किया जाए, पहले ने दरोगा जी ने साफ साफ बता दिया, इतना बड़ा राहुल को पकड़ा जाए, राहुल को फांसी दी जाए और उसे दलती को भी पकड़ा जाए, बलि को सस्पेंड किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ, हम आज को हमारी बहन कल को तुम्हारी भी बहू बेटी आ सकती है, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस वाला चुड़िया पहन रखी हाथों में, हमें मेरी बहन चाहिए, मेरे भाई से रुपए ले रहे 10,000 रुपए लिए, 10,000, कोई सुनवाई नहीं, चाहिए न्याय, चाहिए न्याय, हमें अभी चाहिए न्याय, खड़े खड़े रखा रहेगा जब तक हमें न्याय न मिलेगा, जब तक सब रखा रहेगा, जब तक लाश नहीं हटेगी। इंचार्ज जो यहाँ के हैं लोकल, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, उनको पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करके लाइन हाजिर उनको कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्तों गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है, 24 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, वो चाहें तो अभी करें या जब उनकी वो हो गएंगे वो लोग। यूपी के बुलंदशहर में अपनी मां की हत्या के मामले में खून से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खत लिखने वाली बेटियों को सीएम अखिलेश यादव ने एक माह पहले फौरन अपने पास बुलाकर आरोपियों पर कार्यवाही के साथ साथ पीड़ित बच्चियों को 10 लाख रुपए, एक मकान, बच्चियों की कैंसर पीड़ित बुजुर्ग नानी को अच्छा इलाज और उनके मामा को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, मगर सीएम इन बेटियों से किया अपना वादा भूले और नेटवर्क 10 ने सीएम के वादे की आवाज आवाम तक पहुँचाई, तो आनंद फानंद में सोमवार को सीएम अखिलेश यादव की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख का ड्राफ्ट भेज दिया गया। मैं सभी जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाई और अब 25 दिनों बाद उन्होंने हमारे लिए एक 5 लाख का ड्राफ्ट भेजा है, पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने ये हम दोनों को जो आर्थिक सहायता का वादा करा था उसके लिए भेजा है या नानी की बीमारी के लिए भेजा है,
बस हम ये चाहते हैं कि हमारी कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, क्योंकि हम दोनों बेटियां, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी छोटी वाली बहन जज बनना चाहती है, हम देश की बेटियों का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिस तरह हमारी मम्मा को मार दिया गया और बेटियों को बेटी होने की वजह से ना मारा गया। सभी सभी मीडिया वालों का, सभी चैनल वालों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं, जो जो हम गरीब मजदूरों की बेटियों की आवाज़ मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाई, और एक बार नहीं बार बार पहुँचाई, उसके लिए हम जिंदगी भर तक, मैं और दोनों बच्चियाँ हैं एहसान बंद रहेंगी हैं, बच्चे सीएम साहब से मिल सके, और सीएम साहब द्वारा आज मदद 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट मम्मी की बीमारी के लिए मिल चुका, और आगे जो सीएम साहब ने बोला था बच्चों के लिए आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए का चेक, मेरे लिए सरकारी नौकरी और एक रहने के लिए आवास, और बच्चों के लिए पढ़ाई और मम्मी का इलाज, तो वो सब भी पूरा हो, और मुस्लिमों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, गिरफ्तारी हो, यही हम चाहते हैं। सीएम साहब का हाथ जोड़कर भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ के अधिकारियों का भी जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, जो भी ये दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से करीब 5-6 दिन पहले तो हमने अपने आदमियों को भेजा, और वहाँ से जो चेक हमें प्राप्त हुआ है वो हमने आज इनको हैंड ओवर कर दिया, और इसी तरीके से जो भी उद्घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उनका कार्यालय उस पर विचार कर रहा है, और जल्दी ही वो सारी चीज़ें भी उनको दे दी जाएंगी। ये इनको 5 लाख का चेक आज हमको दिया गया है जो हमें प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद सहित अन्य जनपदों के कई क्षेत्रों में मोबाइलों की दुकानों से चोरी करने वाले गैंग के 5 साथियों को अनूपशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी किए गए कई कंपनियों के 60 मोबाइल बरामद किए। गए थे तो हमें फ़ोन करके हमें बुलाया था, हम गए थे, हम पाँच साथ गए थे, बस से गए थे, और उधर से हम सुबह 5:30 बजे आए थे, कोमल करा तक पहुँचे ना। कितना माल मिलने की उम्मीद थी? ये 114 फोन थे। कहाँ बेचते हो? अरे बेचते कैसे एक मैंने खोखे पर बेचे थे, आधे फोन एक से बेचे थे बस। जितने के होते उतने के बिक जाते हैं? जी जितने के होते उतने के बिक जाते हैं ये? हाँ मतलब जितने लिए थे उतने दे देते इसने। नहीं, कितने पैसे? कीमत उतनी मिल जाती है? कीमत उतनी मिल जाती है जितना उसका है कीमत, असल कीमत ये दिनांक 13-8 को अनूप शहर थाने में बुलंदशहर अड्डे पे एक मोबाइल की दुकान की चोरी हुई थी, जिसमें थाना पुलिस को और सर्वांश की टीम को यहाँ पर ये खोलने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में इन्होंने मतलब चूंकि मोबाइल चोरी गए थे और जहाँ इन्होंने बेचने की बात की उसकी जानकारी के मुखबिर के सूचना पर इनको पूरा 5 लोगों का ये गैंग पकड़ा गया है, और इनसे 60 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके से है, ये पहले आते हैं, पांचों लोग एक साथ काम करते हैं, आते हैं और उस दुकान की पहले रेकी करके जाते हैं, और उसके बाद अगली रात को ये आने के बाद पूरी दुकान को काटते हैं रात के 2 बजे के बाद, जब देखते हैं कि कोई नहीं है, और उसके बाद बैग अपने साथ लेके आते हैं, उन बैग में भर के किसी भी वाहन से ये निकल जाते हैं। इससे पूर्व भी ये थाना जनपद गाजियाबाद में इसी प्रकार की घटना में जेल जा चुके हैं। कई वांछित मामलों में फरार चल रहे अंतर्राज्यीय 5 शातिर बदमाशों को वाराणसी के लक्सा पुलिस ने हल्की मुठभेड़ के बाद व्यायाम शाला लाल कुटी मोहल्ला नई बस्ती के पास से किया गिरफ्तार। उनके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 1 तमचा सहित चोरी के 19,000 रुपए को पुलिस ने बरामद किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कल दिनांक 12/9/16 को रात्रि लगभग 9:15 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारे थानाध्यक्ष लक्सा श्री राजीव सिंह, उनके सहयोगी औरंगाबाद चौकी 4 श्री SV सिंह, इन लोगों ने
5 अपराधियों को जो राज्य स्तर के अपराधी हैं, दूसरे स्टेट में भी इनका अपराध है, मुठभेड़ को अपराध गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से ऑटोमेटिक असलहा, 9mm के पिस्टल, तमंचे, कारतूस, चाकू, चोरी की गाड़ियां और नकद रुपए भी बरामद हुए हैं जो कई लूट के दौरान इन लोगों ने लिया था। ये सभी ये लगभग 19,000 रुपया है नकद जो लूट का पैसा है, यहाँ पर स्निचिंग हुई थी उसका पैसा है। और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं इनमें से कई दर्जनों अपराध में ये रहे हैं। एक जो अपराधी है छेदी, ये आजीवन कारावास इसको मिल चुका है और करीब 3 दर्जन से अधिक हत्या और लूट के अपराध में ये रहा है। आशीष वाजपेयी एक है जो यही लोकल का रहने वाला है, जब यहाँ से पुलिस ने उसको दौड़ाया था करीब 7-8 साल पहले, यहाँ से हट गया था, दूसरे स्टेट में चला गया था, फिर आकर के यहाँ पर ये अपराध किया कर रहा है। कल रात में ये सब एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, जो हमारे थानाध्यक्ष और उनकी टीम की बहादुरी और मुखबिरी सूचना के आधार पर बड़ी घटना कर गई। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, आप बात कर सकते हैं। ये कई लूट और कई मर्डर इन लोगों ने किया है इस जनपद में, करीब जैसा कि स्वयं बता रहे हैं करीब 15-16 लूट तो ये बता ही रहे हैं। इन लूट में इन लोगों को पैसा भी मिला और इन लोगों ने किया। इनका मुख्य पेशा 10-12 साल से केवल लूट और हत्या ही रहा है, पेशेवर भी हैं, पैसा लेके भी क्राइम करते हैं। हाँ, ये आए थे, इनका उद्देश्य कल जो इकट्ठा हुए थे रात में कोई बड़ी घटना को ही अंजाम देना था, जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, ये पकड़े गए। कितने साल से ये इस लाइन में हैं, आपकी जानकारी? जैसा कि इनका आपराधिक इतिहास है, सजायाफ्ता भी हैं, 15-12 साल हो गया। इनके साथ 3 शूटर्स भी हैं जो नए अभी 4-5 साल से हैं, और 2 तो इनके गैंग के सरगना हैं, आशीष और छेदी। स्वयं का गैंग है, स्वयं छेदी सिंह स्वयं में बहुत बड़ा अपराधी है, आशीष वाजपेयी स्वयं में बड़ा अपराधी है। आशीष के ऊपर हमें अंदाजा है 28 से 30 मुकदमे हैं। इसी कल्याण तालुका के टिटवाला शहर में रहने वाले रत्नाकर पाटिल, इनके घर में इस साल शिरडी के साईं बाबा का देखावा बनाया गया है। इस सजावट को देखने और बप्पा के दर्शनों को भक्तों की और लोगों की भीड़ लगी रहती है। आपने किस चीज़ का डेकोरेशन दिया है? डेकोरेशन यहाँ पे समाधि मंदिर बनाया बाबा का शिरडी का, और नासिक का जो गंगा अवतरण हुआ है शंकर भगवान का, शिव जी का, वो यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा के करीब एक मंदिर में जंगली भालू घुस आया, जिससे भाविकों में दहशत मची। भालू दिखते ही लोग इधर उधर भाग गए। 20 दिन के बीच 2 हमले होने के बाद और वन मंत्री ने शूट साइट के ऑर्डर देने के बावजूद वन विभाग को भालू को पकड़ने में या पहचानने में दिक्कत आ रही है। लोगों में अभी भी दहशत मची है।
अमेठी में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी देने की योजना व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की योजना को पीपरपुर थाने की पुलिस ने विफल कर दिया। पुलिस ने अभियान चलाकर घर घर की तलाशी में 130 गोवंश बरामद किया।